आयमा तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रही थी। एनी के तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। शहरियार क्या मर गया? वो तो मैं घर से बेदखल करके पूरे घर पे कब्जा करना चाह रही है। ऐसे हुक्म चला रही है जैसे महारानी बनने का ठेका मिल गया। ऐसे ही काबिज हो जाएगी, मैं होने दूंगी क्या? कह तो मुझे भी रही थी कि तुम इद्दत में हो, या तो दुपट्टे से मुंह छुपाओ या अपने कमरे में रहो। मैंने भी बातें सुना थी। बहुत अच्छा किया, जैसे दिल में आए वैसे करो। यही तो कह रही हूं, उसे हुक्म चलाने का मौका मिल गया। जिसका हुक्म चलता था इस घर में वो तो सकते में बैठी है, अब ये सब मिलकर नंबर बढ़ा रहे। अम्मी, मैं इतने दिन अपने कमरे में कैसे रह सकती हूँ? तो तुम्हें घर में चलने फिरने से कौन रोक सकता है? किसी की मजाल है जो तुम्हें रोके? उसने खुद भी तो महरोज भाई के मरने पर इसी तरह इद्दत पूरी की थी, अब क्या मेरे साथ भी वही सब होगा? तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आयमा, तुम्हें इद्दत तो पूरी करनी पड़ेगी बेटा। वैसे सब बात कर रहे थे कि तुम्हें शहरियार का कमरा छोड़ के नीचे आ जाना चाहिए। वो क्यों? क्या इमल फिर वापस आ रही है? अरे नहीं नहीं वो तो दफा हो गई। वो क्यों आएगी? अब नहीं आती वो इतना बेइज्जत होकर। कुछ भी है, बहुत ठीक है, वो अपना हिस्सा मांगने के लिए वापस आ जाएगी। कौन सा हिस्सा? क्या पता अम्मी, शहरियार भी उसके लिए कुछ ना कुछ छोड़ गया हो। इससे बड़ी खुशकिस्मत बहने हैं जो शोहर मरता है करोड़ों रुपए छोड़ के जाता है। मैं बात करूंगी बाजी से, मेरी बेटी का हक कोई नहीं मार सकता। मैं नीचे शिफ्ट नहीं होंगी, बता दें सबको। अच्छा अच्छा, अभी से अपना खून मत जला। मैं बात करती हूँ बाजी से। बाजी कुछ बात तो करें, इस तरह तो आप अंदर ही अंदर घुटती रहेंगी। खाला, मम्मी बात करेंगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे वो अपना गम भुलाती जाएंगी आप देखिएगा इंशाल्लाह वो ठीक भी हो जाएंगी। बाजी, मेरी फरिया से बात हुई थी, उसने कहा है कि फहद उसे लेने के लिए आ रहा है। वो चली जाएगी तो आप तो अकेली पड़ जाएंगे। आप परेशान मत हो, मैं ख्याल रखूंगी। अरे क्या बहू अब बेटी का मुकाबला करेगी? मैंने ऐसा नहीं कहा दुर्दाना खाला, और मैं तो आपको तसल्ली दे रही, और ना सिर्फ तसल्ली बल्कि ये मेरी माँ जैसी है, मेरा पूरा फर्ज है। आयमा है, वो रख लेगी ख्याल, और मैं भी तो हूं ना। तुमने तो हम माँ बेटी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। खाला, यहाँ किसी का मुकाबला नहीं हो रहा, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहे हैं। हाँ तो कोई निभाने भी तो दे ना। क्यों खाला, आपको कोई रोक रहा है क्या?
बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। खाला प्लीज, ऐसी बातें करके मम्मी को परेशान मत करें। मम्मी की कंडीशन देखें और अपनी बातें सुने। हम मम्मी को कमरे से बाहर इसलिए नहीं लेकर आए कि यहां बैठ के घर की सियासत पे बात करें। तो मैं यहां बैठ के क्या सियासी गुफ्तगू कर रही हूं? अफ़ान, बेटा मुझे अंदर जाना है। क्या हुआ मम्मी, आप ठीक है? प्लीज हम सबकी बातों को इग्नोर करें, आप तो ठीक है ना? मैं जा रही। दुर्दाना खाला, आपको माहौल देख के बात करनी चाहिए। आपने हालत देखी है मम्मी की? हम उन्हें कमरे से बाहर इसीलिए लेकर आए थे। सिद्धार्थ सोच समझ के माहौल को देखकर बात करता है। आपने तो हद ही कर दी है। अरे तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं वापस चली जाती हूँ अपने कमरे में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जब भी तुमसे कहा था कि तुम नीचे शिफ्ट हो जाओ ताकि तुम्हें कोई जहमत ना हो। इसमें जहमत की क्या बात है? मैं ठीक हूँ। ठीक है, फिर मैं कुछ दिनों के लिए एनी के साथ नीचे शिफ्ट हो जाता हूँ और ऊपर वाला रूम तुम इस्तेमाल कर लेना, कोई मसला नहीं। आयमा को मैंने औलाद के लिए अपनाया था ना, और मेरा साथ जानने के बाद वो ज्यादा दिन ये रिश्ता कायम नहीं रखेगी। और दूसरी तरफ एमल है जो कि सब कुछ जानने के बावजूद मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए तैयार है, और फिर भी आप नहीं समझ पा रही हैं कि कौन मुखलिस है और कौन नहीं। मम्मी चले, थोड़ी देर नीचे चल के बैठते हैं। अच्छा चले, एक काम करते हैं, ऑफिस चलते हैं। आप ऑफिस जाएंगी, थोड़ा काम करेंगी तो आपका दिल बहल जाएगा। क्या शहरयार होगा वहां? वो जा चुका है मम्मी। देखिए मम्मी, अगर आप खुद को इस तरह से कमरे में बंद कर लेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। कुछ नहीं होता मुझे। मेरे दो जवान बेटे चले गए, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। देखो जिंदा हूं मैं। ऐसी बातें मत करें मम्मी, आप यकीन माने, आपको इस तरह से देख के मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। मम्मी चलते हैं ना, कुछ ही देर के लिए, मेरी खातिर। क्या करूंगी जाकर? शहरयार की यादें और रुलाएंगी मुझे। मम्मी मैं आपको खुद लेके जाऊंगा, हम बस वहां थोड़ी देर के लिए रहेंगे, और रास्ते में मैं आपके साथ बहुत सारी बातें भी तो करूंगा ना। तुम तो कहीं नहीं जाओगे ना अफ़ान, तुम अगर मुझे छोड़कर गए तो मैं मर जाऊंगी। मम्मी प्लीज संभाले खुद को, आपका अफ़ान आपके साथ है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा।
आपस उठे और निकले इस कमरे से, बल्कि इस घर से। मेरे साथ चले, हम चल के कॉफी पीते हैं, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा एक काम करते हैं, हमारे बचपन को याद करते हैं। कितना यादगार बचपन था हमारा, बहरोज भाई, शहरयार, मैं और फरी। फरी तो बहुत बाद में पैदा हुई थी ना? हाँ, तुम्हारे बाबा को बहुत आरजू थी बेटी की। तुम तीन बेटों के बाद पैदा हुई थी ना वो? बहुत लाडली थी उनकी। लाडली तो वो हमारी अब भी है, बल्कि हम सब की बहुत लाडली है। अब कौन है? अब रहा ही कौन है? एक एक करके सब उसके लाड उठाने वाले चले गए। कैसा हंसता बसता करता मेरा। मैं रोज भाई की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मम्मी हमारे पास उम्र है ना, उसकी मासूम सूरत में आपको महरोज भाई नजर आएंगे। और अगर शहरयार की याद आए तो इमल भाभी से जाके मिलेगा। बहुत मोहब्बत करता था इमल भाभी से वो। बल्कि एक काम करते हैं, अभी चलते हैं। अभी नहीं। चलें, जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी एमल भाभी इद्दत में है, हमसे मिलने यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए मम्मी आपको जाना चाहिए उनके पास जब आपका दिल करे। कहीं गई है ना आज? जी वो गई है। वैसे एक बात बताऊं मम्मी, एनी को आपकी बहुत फिक्र रहती है, बहुत परेशान होती है वो आपके लिए।